गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक यू आर वेरी वेल। वी आर लर्निंग डेली बाई डेली अबाउट द इंग्लिश क्लासेस। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर वर्ड पावर सो दैट वी कैन स्पीक करेक्टली, वी कैन राइट करेक्टली, वी कैन रीड करेक्टली। वी नो दैट विदाउट वोकैब यू कैनॉट स्पीक, यू कैनॉट राइट एंड यू कैनॉट रीड। ये करेक्ट है, सही है। तो हमें क्या करना होगा कि एवरी डे वी शैल स्टडी वर्ड पावर एंड वी शैल इंक्रीज आवर वर्ड पावर और वोकैब। विदाउट वोकैब आप चाहे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आइदर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एनी competitive examination, either preparing for board examination, either you want to speak English, either you want to write correctly, either you want to read correctly, it is impossible. Word power, vocab is the backbone of English language, it is correct. Daily, in the same way, we shall study and discuss some words, some root words, किस तरह से root words जान करके और हम अपने वोकैब को बढ़ाएंगे, अपने इस इंग्लिश को स्ट्रेंथन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप एक अपना ऐसा नोटबुक बना लें जिसमें कि आप एवरी डे जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको लिखते चलें। इससे ये होगा कि आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाए। श्योरली यू कैन स्पीक एंड यू कैन पॉलिश योर पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ वर्ड पावर। विदाउट वर्ड पावर डोंट थिंक, बिकॉज इफ़ यू हैव गुड वर्ड पावर यू कैन डू वेल। Then let us study, let us start. What is the root word for today? The root word for today is ethnos. Ethno means होता है race, a nation, एक जातीय समूह होता है, एक विशेष ऐसे सामाजिक समूह होते हैं, social groups होते हैं, उसके लिए ethno शब्द आता है। ethnos अगर हम बात करेंगे, जैसे रोहिंग्यास है तो एक तरह के अलग रेस का ग्रुप है, सोशल ग्रुप है रोहिंग्यास। सम रोहिंग्यास माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार एंड इन इंडिया एंड देयर वर वेरी सस्पेंस एंड मैटर ऑफ डिस्कशन इन इंडिया व्हेन दे एंटर्ड एंड इट वाज पॉलिटिकल मैटर एंड डिबेट्स वेंट ऑन। तो आइए देखते हैं आज का जो रूट वर्ड है वह क्या है। रूट वर्ड्स हमारे रूट वर्ड सीख लेते हैं तो आप एक के लिए जो है 100 साफ वर्ड्स जान जाते हैं। तो रूट वर्ड जानना जरूरी है, उसके एक मार्फिम जानना है। यदि मार्फिम जानते हैं, एक एक यूनिट ऑफ वर्ड जानते हैं, तो उसके लिए आपको वर्ड पावर सीखना आसान हो जाएगा, आपकी इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। यू विल लर्न वेरी इजी। आइए देखते हैं, पहला जो रूट वर्ड है वह है एथनोगॉज। पीछे के हम शब्द सीखे थे उसमें अगर पीछे जाते हैं तो देखे थे डेमागॉज वर्ड आया था, फिर आया था पेडागाज, पेडागाजिक, डेमागाजरी, ये सब आए थे। तो गाज एगोगोस मीन्स होता है लीडिंग, टू लीड, नेतृत्व करना, आगे चलना। तो ऐसे हम समझ रहा कि यहाँ पर आएगा एथनोगाज। तो एथनोगाज मीन्स होता है ऐसे ही लीडर होता है, लीडर ऑफ ए रेस, लीडर ऑफ ए स्पेशल सोशल ग्रुप, लीडर ऑफ ए रेस, लीडर ऑफ ए रेस, एक किसी विशेष जातीय समूह, एक विशेष किसी, अभी देखे थे कि ब्लैक लाइव्स मैटर, अभी अमेरिका में आता ब्लैक लाइव्स मैटर। तो एक ऐसा एथनिक ग्रुप है, एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो कि वो एक अलग है, तो उसको हम जो है एथनिक कह सकते हैं। तो एथनोगाज यहाँ पर है लीडर ऑफ ए रेस, किसी विशेष जातीय समूह, किसी विशेष सोशल ग्रुप्स का जो लीडर होगा वह उसको हम एथनोगाज कहेंगे, राइट। सेम सिनोनिम्स, ये देखिए आ गया सिनोनिम्स, सेम वर्ड सिनोनिम्स। एथनार्क, एथनार्क मीन्स भी होता है आर्क, मोनार्क पहले से आप जानते हैं, मोनार्क, मोनार्क मीन्स किंग, एम्परर, यहाँ पर एथनार्क आ गया है। इट मीन्स एम्परर ऑफ, एम्परर ऑफ ए सोशल ग्रुप, एक ऐसे सोशल ग्रुप का जो राजा हो, शासक हो, उसे हम इथनार कहते हैं। शासक, एक ऐसा जाति का शासक, ऐसा जनजाति का शासक, जनजातियाँ जो कुछ रही हैं उसके लिए आता है। देखिए एथनिक, एथनिक मीन्स रिलेटेड टू, रिलेटेड टू स्पेशल, सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप जिसके कि रिलीजन से एक जैसे, उसकी परंपराएं कल्चर से एक जैसे हैं, ट्रेडिशन से एक जैसे हैं, उसको हम एथनिक कहते हैं, एथनिक ग्रुप कहते हैं। वो सभी एक जैसे ही सारे स्टाइल ऑफ वर्शिप, स्टाइल ऑफ प्रेयर, वो सब करते रहते हैं, तो उसे हम एथनिक कहेंगे। समझ, यहाँ पर कुल मिलाकर एक जाति से संबंध है, किसी एक विशेष जाति से, नृजाति या एक आदिवासी से हम कहते हैं। एथनोज, एथनोज जो ऐसा वर्ड है जो कि एथनोज यहाँ से विशेष कुछ ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करके जाए, ये डेरोगेटरी सेंस में आता है, इसको अपमानजनक सेंस में जाता है। एथनोज माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया, माइग्रेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया, उसे हम एथनोज कहते हैं। एथनोज ये डेरोगेटरी सेंस में, इसका सेंस अच्छा नहीं है। बस एथनोज वहाँ के जो एबोरिजिन्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक एबोरिजिन्स है जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको एबोरिजिन्स कहा गया, और जो यहाँ से गए हैं उनको एथनोज कहा गया है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं एथनोबायोलॉजी। एथनोबायोलॉजी क्या होता है कि ऐसे बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ साइंस, द बायोलॉजी, द बायोलॉजिकल स्टडी, बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ ए रेस, एक किसी विशेष जाति का जो बायोलॉजिकल स्टडी किया जाता है, जो जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम एथनोबायोलॉजी कहते हैं। द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ ए स्पेशल रेस, एक किसी विशेष जाति के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो अगला वर्ड आ रहा है एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक यू कैन यूज इन ए सेंटेंस एंड यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस एंड देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। एथनोसेंट्रिक, सेंट्रिक हियर इज द रूट वर्ड, एथनोज मीन्स रेस, रेस ऐसा क्या हो जो कहीं से घूम करके अपने आता है। द स्पेशल रेस सेंट्रिक, उस कहीं ना कहीं से उस जातीय के लिए, उस विशेष जाति के अपने जातियों के इर्द गिर्द जो रहता हो, घूमता रहता हो, केंद्रित रहता हो, स्वजातीय, केंद्रित, तो उसको हम एथनोसेंट्रिक कहते हैं। हम इफ यू टॉक अबाउट once again the whole words you can know, ethnagogue is a leader of a race, and ethnarch is the emperor of a race, special nation, special cultural social group, ethnic related to the special social and racial group that is called ethnic, and ethno is the migrants who has gone to Australia, that is ethnos. Original person who is living in Australia were aborigines, but ethnos went there and made some increase of population of Australia, and it is in a derogatory sense, it is not in good sense. Next, ethnobiology, the biological study of ethnos or a special group, that is called ethnobiology. And ethnocentric, ethnocentric, the person who works to the circle of the same race where he belongs. I think you understand, and we daily study here, and I don't appeal to subscribe and share. If you think it is good, you can do, otherwise it is not matter of speaking or asking or appealing. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.